नमस्कार दोस्तों, आप लोग से मैं हाथ जोड़ता हूँ। मेरी शादी हो गई 7 साल। 7 साल मेरी शादी हो गई। मेरा नाम दीप राज, गांव अनखरी पोस्ट ब्रिटिश, जिला सुल्तानपुर, थाना मुसाफिर खाना। पुलिस वाले भी नहीं सुनते। देखो, बच्चा कैसा भी रहे लेकिन बच्चा प्यारा रहता है। शादी हो गई 7 साल, बच्चा हो गया 5 साल। 5 साल का बच्चा हो गया, अगर बच्चे का भविष्य मैं नहीं बनाऊंगा तो कौन बनाएगा? बाप अच्छा हो या ख़राब हो, हमारे भी मम्मी पापा हैं, अच्छे हैं या ख़राब हैं, लेकिन हमारे माँ बाप हैं। तो मेरी शादी हो गई दोस्त, मैं अपनी फैमिली को अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं इसलिए शादी किया कि भाई मैं अकेला हूँ, चलो हमारे मम्मी पापा को एक रोटी बना के खिलाएगी। माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं है, माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं है। फिर मैं शादी करा, लंबेरी से बारात ले गया, हर एक चीज़। शादी में कुछ दिए नहीं, जो बदा था वो मिल गया। मैं इसके लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे कुछ दें या ना दें, मैं अपने आप 18,000 रुपये महीने कमाता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। 18,000 रुपये महीने कमाता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, मैं खुद ख़रीद लूँगा। मेरी 30 नवंबर को मेरी बहन की शादी है, बहन की शादी है तो कपड़ा लगता, घर द्वार वो नहीं देखेगी? वो तो मालिक नहीं है क्या? मालिक है, अगर वो नहीं देखेगी तो कौन देखेगा? खर्चा तुम्हारे माँ बाप उठा रहे हैं, हमें भी थोड़ा फर्ज है, हम भी करें क्या? हम घरवाली कहने से करते रहेंगे? आज जब बच्चा हुआ था हमने 25,000 रुपये दिया था। उसकी जो बुआ है, उसकी बुआ की पहले शादी हुई थी, फिर उसके बाद कह रही कि शादी हुई थी तो एक लड़की थी उसकी शादी कर दी। जो उसकी सौदेली माँ थी उसको बुआ और वो दोनों मिलके मारते, तो उसकी बुआ, उसकी मतलब मम्मी भाग गई लड़की की। तो उसकी दूसरी माँ आई है, उसको भी नहीं मानती, वो अपने बुआ के साथ रहती है। उसकी बुआ जो है अपने आदमी को छोड़ रखी है। चलो बुआ की उम्र कम से कम नहीं तो 35-40 साल हो गई है, बुआ की तो गुजर जाएगी, लेकिन ये अगर ऐसे काम करेंगे तो कैसे गुजरेगा? सबसे बड़ी तो हमारे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमारे पास सिकड़ी मिली थी, अंगूठी मिली थी, वो हमारे घरवाली के पास है। तो इसकी घरवाली जो हमारी घरवाली जो है, सिकड़ी अंगूठी सब सोना चांदी उसके पास है। तो ये कहती है कि हमें पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। हम पैसा देते हैं, हम पैसा देंगे नहीं हमारे बच्चे का। एक बार हमारे घर में लड़ाई हुई थी, केस हुआ था, इसकी हमारी घरवाली चली गई, हमने केस भी कर दिया। वकील जो है पैसा मांगता था, कुछ होता नहीं था। तो हमने क्या किया, ये घरवाली हमारी जो गहना वाना लेके गई थी, गहना वाना लेके गई थी, पैर का हाथ का सारा हमारा भी ले गई थी, तो ले गई थी तो अपने इसकी बुआ ने चुरा के रख ली थी। इसकी बुआ ने जब चुरा के रख ली तो हमारी घरवाली कैसे आए, आए तो गहना लेके आए। फिर हमारी घरवाली ने, हमारा तारीख पड़ा था, हम जा रहे थे वहाँ पर, तो मेरी घरवाली ने मेरे पास फ़ोन करी, बोली मैं आने के लिए तैयार हूँ। तो गहना वाना इसको पता हो गया था, तो हमसे बता रही थी, कहीं छुपा के रखी थी घरवाली गहना वाना लेके हमारे यहाँ चलती बनी। तो ये अपने कब्जे में करना चाहती है कि लड़का बड़ा हो जाएगा तो हमें कमा खिलाएगा। सुअर की हड्डी जो अपने गले, उसके बच्चे के गले में बनवा रखी थी, घरवाली के ऊपर भूत प्रेत करवा रखी थी। तो घरवाली और बच्चे उसके घर पे रहते थे, हमारे आने जाते थे, हम परेशान हो जाते थे। हमारे छोटी सी फैमिली है, मम्मी है, पापा है, मैं हूँ, छोटी सी फैमिली है, इतनी परेशान कर देती हैं। और इसकी बुआ की सारी गलती है, ये मेरे यहाँ जाने नहीं देती, अपनी बुआ कहना कर रही है। मैं यही कहता हूँ कि मेरी बीबी मेरे पास रहे, मेरे माँ बाप को देखे, मेरे को कम ध्यान दे, हमारे बच्चे को मम्मी पापा को ध्यान दे। शादी इसलिए किया हूँ, माँ बाप को रोटी बना के खिलाइए। मैं दिल्ली में रहता हूँ, पैसे कमी नहीं है, खेत बारी 4-4, 5-5 कमरे हैं, 18-20 हज़ार रुपये महीने कमाता भी हूँ। 14 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए, हमारे पास किसी चीज़ कमी नहीं है। पता नहीं उनको क्या दिक्कत है, वो अपनी बुआ के कहने पर चलती है। क्यों अपनी बुआ कहने पर चलती? उसकी बुआ की शादी हुई थी, एक बच्चे थे, एक लड़की थी, उसकी शादी कर दी। तो उसके पहले वाला आदमी था, वो आदमी जो है ना अपने आदमी को छोड़ दी, तो ये अपने भाई के पास रहती है। तो इसकी बुआ और इस हमारी घरवाली सपना तो अपने मम्मी को मारती हैं दोनों मिलके, और इसकी बुआ इसकी मम्मी अपने यहाँ रहती है, मतलब मायके में रहती हैं दोनों। और हमारी घरवाली तो मेरे लिए बहुत अच्छी है। मेरे जब 1 साल तक, जब तक बच्चा नहीं हुआ, 2-3 साल तक मेरे तक बहुत बढ़िया, बहुत प्यार करती थी, हाथ पैर सब कुछ दबाती थी। मेरे कोई काम नहीं, मैं बोलने का मौका भी नहीं दूँ, मैं कुछ बोलता भी नहीं, सब कुछ सेवा पानी मेरी करती थी, बहुत अच्छी थी। लेकिन उसको अब पता नहीं क्या हो गया, 3 साल से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, हमारे घर वाले भी परेशान हैं।
बहन की शादी भी हो रही है, कह रही पैसे मत दो, ये मत दो, वो मत दो, हम नहीं करेंगे, मम्मी पापा नहीं करेंगे, कौन करेगा? हमारी छोटी बहन है, एक लाडली, मैं नहीं करूँगा, कौन करेगा? बस मैं कहता हूँ मेरे घर चली आए शांति से, बस। पुलिस वाले भी नहीं सुनते, पुलिस वाले भी नहीं सुनते, हमने केस करके देख लिया, उल्टा हम ही को छोड़ते थे, उल्टा हम ही को ले गए थे, बंद कर दिए थे, हमने केस करके देख लिया, बस।